बिग बॉस 16 में कोई ना कोई कंटेस्टेंट ट्विटर पे छाया ही रहता है, जैसे गोट प्लेयर शिव ठाकरे, जनता की जान प्रियंका, एमसी स्टैन, सुम्बुल और अंकित। जी हाँ, और ये कुछ ऐसे नाम जो मैंने अभी लिए हैं वो उन सदस्यों में से एक हैं जिन्होंने एक रिकॉर्ड बना लिया है। आइए जानते हैं क्या रिकॉर्ड बनाया है, किस नाम से बनाया है, किस चीज के लिए बनाया है और कहाँ बनाया है। मेरे साथ यानी अडिमा के साथ ओनली ऑन टेली खजाना। तो अब अंकित, आपको याद होगा जब अंकित का एलिमिनेशन हुआ था वो फेयर तरीके से नहीं हुआ था, क्योंकि जनता के वोटों के आधार पे अंकित को घर से बेघर नहीं किया गया था। अंकित घर से बाहर निकले थे क्योंकि पूरा जो घर था उसमें और जो सदस्य थे उसमें साजिद और प्रियंका को छोड़ के सारे लोग उनके अगेंस्ट थे, उनको बाहर घर से निकालना चाहते थे। इवन अर्चना भी उस टाइम उस चीज में इन्वॉल्व थी, जिसकी वजह से अंकित घर से बेघर हो गए थे। अब जो खबर आ रही है, जो रिकॉर्ड आया है वो बहुत ही अमेजिंग है कि अंकित बिग बॉस के एक ऐसे कंटेस्टेंट हैं जिन्होंने 1 मिलियन ट्वीट्स का रिकॉर्ड बनाया है, और उसी के साथ वो एक ऐसे भी कंटेस्टेंट हैं जिन्होंने ये रिकॉर्ड 10 बार बनाया है, एक बार नहीं 10 बार बनाया है। और बाकी के जो मैंने 4 नाम लिए हैं, दैट इज शिव, सुम्बुल, स्टैन और प्रियंका, ये जो 4 नाम है इन्होंने 1 मिलियन का रिकॉर्ड तो बनाया है पर इतनी बार नहीं बनाया। एंड इट्स वेरी अमेजिंग, अंकित की जो पर्सनालिटी थी वो बिग बॉस के अगर आप पिछले सीजन्स में देखें तो जैसे एक अभिनव की पर्सनालिटी थी, हितेंद्र आए थे उनकी पर्सनालिटी थी, उस तरीके की पर्सनालिटी हमें देखने को मिलती थी अंकित के अंदर। अब अंकित, क्योंकि लोगों को लग रहा था वो सो रहे हैं, बोलते नहीं है, बट एक्चुअली वो गेम में बहुत इन्वॉल्व थे और बड़े तरीके से इन्वॉल्व थे। उन्हें भी लड़ाई झगड़ा करना ज्यादा अच्छा नहीं लगता था, पर मंडली में जो 2 सदस्य हैं सुम्बुल और स्टैन, वो भी लड़ाई झगड़ा करना नहीं पसंद करते हैं, अपनी रियल पर्सनालिटी की वजह से लोगों को पसंद आते हैं। पर ठीक है, वोट बैंक था भैया, तो दोनों में से किसी का भला हुआ किसी का बुरा हुआ, ऐसा होता ही है। तो ये रिकॉर्ड बनाया है अंकित ने। बाकी जनता की जान प्रियंका, वो कई बार रिकॉर्ड्स बना चुकी है और 1 मिलियन ट्वीट्स भी इनके जो फैंस हैं वो कर चुके हैं इनके लिए। अब इनमें से ट्रॉफी लेके कौन जाता है, इससे इस ट्वीट वाले रिकॉर्ड से पता चलता है कि ये टॉप 4 तो हमारे पास हैं, शिव, स्टैन, सुम्बुल, प्रियंका। 5वां कौन होगा, शालीन, टीना या निमृत? मुझे लगता है निमृत फाइनल है, शालीन टीना का पत्ता इस हफ्ते या अगले हफ्ते कट हो जाएगा, क्योंकि अभी वो नॉमिनेटेड है लेकिन खबर आई है कि अभी कोई नॉमिनेशन होना नहीं है। और अब मिड इविक्शन अगर होता है तो शालीन और टीना में से डेफिनेटली इस बार घर से कोई बेघर होने वाला है। आप वोट करिए जिसको आप बचाना चाहते हैं और साथ ही में देखते रहिए टेली खजाना। अगर अभी तक आपने टेली खजाना को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करिए। थैंक यू।